ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। वजीर आजम इमरान खान का दफ्तर भी बचत के काबिल तकलीद मिसाल बन गया। वजीर आजम के दफ्तर में मुलाजमीन की तादाद तारीख की कम तरीन सतह तक आ गई। एक साल में वजीर आजम दफ्तर ने 18 करोड़ बचाकर कौमी खजाने में वापस की। शहबाज गिल की जानिब से ये डिटेल्स बताई गई हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का दफ्तर में बचत की काबिल तकलीद मिसाल बन गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर बताइए, मजीद क्या डिटेल सामने आई है? देखिए, मुल्की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी वजीर आजम ने कौमी खजाने पर बोझ बनने की बजाय इसकी हिफाजत की हो, और वजीर आजम इमरान खान ने कौमी खजाने के गलत इस्तेमाल की बजाय इसको बतौर अमानत समझते हुए तारीख रकम की है। 18 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात की कमी की, और इस दौरान वजीर आजम इमरान खान अपनी रिहायशगाह के तमाम अखराजात भी अपनी जेब से अदा करते रहे हैं। नौकरों की तनख्वाहें, बिलों की अदायगी और रिहायशगाह की सिक्योरिटी पर उठने वाले अखराजात भी वजीर आजम इमरान खान ने खुद अदा किए हैं। इसका किसी भी तरह से सरकारी खजाने से कोई रकम का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके साथ साथ वजीर आजम के दफ्तर में भी बचत की काबिल तकलीद मिसाल सामने आई है। कफायत शुरी मुहिम के तहत वजीर आजम के दफ्तर में मुलाजमीन की तादाद तारीख की कम तरीन सतह तक आ गई। एक साल के दौरान वजीर आजम के दफ्तर ने 18 करोड़ रुपए से जायद की रकम बचाकर कौमी खजाने में वापस की है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो माजी के हुक्मरान थे उनकी जानिब से सिक्योरिटी के नाम पर कौमी खजाने से 8 अरब रुपए लुटाए गए। मुल्की तारीख में पहली मरतबा अपने दफ्तर के अलावा वजीर आजम इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस भी मौजूद नहीं है, जबकि इसके बरक्स जो साबिक हुक्मरान थे वो कौमी खजाने से दर्जन भर कैंप ऑफिस का खर्चा चला रहे थे। इस्लामाबाद, रायबंद, मॉडल टाउन और मरी तक ये कैंप ऑफिस फैले हुए थे। इसके साथ साथ अगर इससे भी माजी में अगर देखा जाए तो आसिफ जरदारी और गिलानी ने मुल्तान और कराची तक अपने कैंप ऑफिस कायम कर रखे थे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान का इस सिलसिले में कोई कैंप ऑफिस नहीं है। बैरून मुल्क दोनों की अगर बात की जाए तो इसमें भी कफायत शुरी की मिसाल कायम की है, और वजीर आजम इमरान खान अखराज कम से कम रखने में सबसे आगे निकले हैं। बतौर वजीर आजम वॉशिंगटन का दौरा किया सिर्फ $67,180 में। ठीक है, कादिर हमें आगाह कर रहे थे, और इसी हवाले से क्योंकि सारी डिटेल